नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गर्मी के मौसम में हमें ईंट चिनाई किस तरीके से करना चाहिए जिससे दीवार को मजबूत से मजबूत बनाया जा सके। तो गर्मी के मौसम में ईंट चिनाई करने के लिए जिस दिन आपको ईंट चिनाई करनी है उससे एक दिन पहले आप ईंट को कुछ इस तरीके से भिगो देंगे। यानी कि यदि आपको कल ईंट चिनाई करनी है तो आप आज शाम में ही ईंट को कुछ इस तरीके से भिगो देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ईंट को एक दिन पहले इस तरीके से क्यों भिगोना चाहिए। सो यदि हम ईंट को कुछ इस तरीके से एक दिन पहले भिगो देते हैं तो ईंट में पर्याप्त नमी बनी रहती है, क्योंकि ईंट का या गुण होता है या क्वालिटी होती है कि यदि ईंट में नमी नहीं है और ईंट गर्म है तो इस सिचुएशन में ईंट यदि किसी भी मटेरियल के साथ जुड़ेगी तो उस मटेरियल में जो भी नमी होगी ईंट अपने अंदर खींच लेगी। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईंट चिनाई हो रही है और यदि ईंट चिनाई होते समय ईंट में नमी नहीं होगी तो इस सिचुएशन में ईंट जो है वो मोर्टार यानी कि सीमेंट के मसाले में जो भी नमी होगी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा यानी कि सोख लेगा। और यदि ईंट सीमेंट मसाले की नमी को सोख लेगा तो इस सिचुएशन में सीमेंट के जमने की जो क्रिया होगी वो धीमी पड़ जाएगी, जिससे ईंट जोड़ने का जो मोर्टार है, जो मसाला है, वो कमजोर पड़ जाएगा। और इसके साथ साथ गर्मी के मौसम में एक रीजन और है कि यदि मौसम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ तो इस सिचुएशन में सीमेंट के जमने की जो प्रक्रिया होती है वो कमजोर पड़ने लगती है। और गर्मी के मौसम में नॉर्मल टेम्परेचर 35 से लेकर 41 के बीच रहता है। सो यदि आप एक दिन पहले कुछ इस तरीके से ईंट को भिगो लेंगे तो ईंट में नमी बनी रहेगी और ईंट की चिनाई करते समय ईंट और मोर्टार यानी कि मसाले के बीच का जो टेम्परेचर होगा वो 35 के अराउंड बना रहेगा, जिससे सीमेंट के रिएक्शन और सेटिंग टाइम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो यही रीजन है कि ईंट की चिनाई करने से एक दिन पहले शाम को कुछ इस तरीके से ईंट की क्यूरिंग यानी कि ईंट को कुछ इस तरीके से भिगो लेना चाहिए। ईंट को कुछ इस तरीके से भिगोने के बाद हमें मोर्टार यानी कि ईंट को जोड़ने के लिए मसाला तैयार करना होता है। मोर्टार तैयार करने के लिए यानी कि ईंट को जोड़ने के लिए मसाला तैयार करने के लिए हम कुछ इस तरीके से सैंड और सीमेंट को मिक्स करते हैं। बट ईंट जोड़ने का मसाला बनाने से पहले आपको एक वर्क कर लेना बहुत जरूरी होता है कि मसाला बनाते समय सीमेंट के साथ जो आप सैंड यानी कि बालू का उपयोग करेंगे उसको कुछ इस तरीके से फिल्टर कर लेंगे। यदि आप कुछ इस तरीके से बालू को फिल्टर कर लेते हैं तो बालू के अंदर की जो भी गंदगी रहेगी वो कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाएगी, जिससे आपकी दीवार मजबूत से मजबूत बनेगी। सैंड यानी कि बालू को फिल्टर करने के बाद इसी फिल्टर किए हुए बालू में कुछ इस तरीके से सीमेंट डालकर आप मिक्स कर लेंगे। सीमेंट और सैंड यानी कि सीमेंट बालू को मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से पानी डालकर ईंट जोड़ने के लिए मोर्टार यानी कि मसाला तैयार कर लेंगे। मोर्टार यानी कि मसाला तैयार करने के बाद कुछ इस तरीके से ईंट को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। और ईंट को जोड़ने से पहले यदि आपको लग रहा है कि ईंट में पर्याप्त नमी नहीं है तो ईंट को जोड़ने से पहले कुछ इस तरीके से एक बार फिर ईंट की तराई कर देंगे यानी कि ईंट को भिगो देंगे। और ईंट की चिनाई करते समय यानी कि ईंट की दीवार बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी जो वाल हो वो पूरी तरह से सीधी हो। सो दीवार को लंबाई और चौड़ाई की दिशा में सीधा रखने के लिए ईंट जोड़ते समय आप कुछ इस तरीके से थ्रेड यानी कि तागे का उपयोग करेंगे। यदि आप ईंट जोड़ते समय कुछ इस तरीके से तागे का उपयोग करते हैं तो आपकी जो दीवार होगी वो लंबाई चौड़ाई की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी होगी। और इसके साथ साथ दीवार बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि दीवार ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी हो। सो दीवार को ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में सीधा रखने के लिए प्लम्बॉब यानी कि साहुल का उपयोग किया जाता है। सो गर्मी के मौसम में दीवार बनाते समय जो भी जानकारी आपको बताई गई इन सभी पॉइंट का ध्यान दीजिए, आपकी दीवार में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए 500 लाइक का एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं, उम्मीद है आप लोग कंप्लीट करा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।